एब्राहम ऑर्टेलियस ने पहला मॉडर्न वर्ल्ड एटलस बनाया जो पिछले 80 सालों में हुई खोजों पर आधारित था। इसे गोल्डन एज ऑफ एक्सप्लोरेशन भी कहा जाता है। एटलस बनाने के कुछ ही अरसे बाद ऑर्टेलियस इससे भी आगे निकल गए। वो ऐसे पहले इंसान थे जिन्हें अटलांटिक के दोनों सिरे किसी जिग्सॉ पजल का हिस्सा लगे। बाद में उन्होंने लिखा कि दोनों अमेरिका भूकंप और बाढ़ों की वजह से यूरोप और अफ्रीका से टूटकर अलग हुए हैं, मगर अगले 200 सालों तक ऑर्टेलियस की बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। जब तक कि 20वीं सदी की शुरुआत में एक जर्मन एस्ट्रोनॉमर और मीटियोरोलॉजिस्ट ने वैज्ञानिक तरीके से इसे साबित करने के लिए सबूत जमा नहीं कर लिए। अल्फ्रेड वेगनर पहले विश्व युद्ध में हिस्सा ले रहे थे, मगर जल्द ही वो घायल हो गए। जब वो एक फील्ड हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे थे, तब उन्होंने पृथ्वी के इतिहास से जुड़े सबूतों के लिए किताबें खंगालना शुरू किया। इसके कई साल पहले वेगनर को अपनी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में एक हैरान करने वाला पेपर दिखा था। वेगनर ये जानकर चौंक गए कि अब खत्म हो चुके फर्न की एक ही प्रजाति के जीवाश्म अटलांटिक के दोनों सिरों पर देखे गए थे। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात थी एक ऐसे डायनासोर के जीवाश्मों का दोनों महाद्वीपों पर मिलना। 20वीं सदी की शुरुआत में जियोलॉजिस्ट ने समझाया कि दोनों महाद्वीपों पर कभी लैंड ब्रिज मौजूद थे जिनसे होकर जानवर समुद्र के उस पार पहुंच गए। ये माना जाता था कि ये ब्रिज धीरे धीरे टूटते गए और बहुत पहले ही पानी के अंदर डूब गए, मगर एक सबूत ऐसा भी था जिसने वेगनर को यकीन दिला दिया कि उस वक्त की वैज्ञानिक सोच गलत होनी चाहिए। वो सबूत था खुद पृथ्वी। कोई पर्वत श्रृंखला समुद्र पार करके एक महाद्वीप से दूसरे में आखिर क्यों जाएगी, और चट्टानों की एक जैसी पैटर्न वाली परतें ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका में क्यों मिलती हैं? एक बात और, वो क्या वजहें थीं जिनके चलते भूमध्य रेखा के पास मिलने वाले पेड़ पौधे आर्कटिक के बर्फीले इलाके में भी फले फूले? वेगनर ने नतीजा निकाला कि इस पहेली का एक ही सही हल हो सकता है। पृथ्वी पर कभी एक बड़ा और इकलौता सुपर कॉन्टिनेंट था। उन्होंने इसे नाम दिया पैंजिया। वेगनर अपनी बात साबित करने के लिए मेहनत करते रहे और सबूत जमा करने के लिए खतरनाक जगहों पर जाते रहे। ऐसे ही एक मिशन में उन्हें पता चला कि उनके साथी बिना खाने के बर्फ में फंस गए हैं। उनकी मदद के लिए जाते वक्त वो तूफान में रास्ता भटक गए। अपने 50वें जन्मदिन के एक या दो दिन बाद वो गायब हो गए। उन्हें पता भी नहीं चल पाया कि आगे चलकर वो सही साबित होंगे और उन्हें अब तक का सबसे महान जियोलॉजिस्ट माना जाएगा। 1952 का साल था और मरी अपने जियोलॉजी डिपार्टमेंट के साथियों के तानों को किसी तरह बर्दाश्त कर रही थीं। उनकी जियोलॉजी और मैथमेटिक्स की डिग्रियां उनके साथियों की नजरों में बेकार थीं। ब्रूस हीजेन, जो आयोवा के ग्रेजुएट स्टूडेंट थे, उसी समय सोनार की मदद से समुद्र की तली की गहराई माप कर लौटे थे। इनको कायदे से रख दोगी? ब्रूस, देखो, ये सब आपस में मिल रहे हैं। अटलांटिक की तली में एक बहुत बड़ी रिफ्ट वैली है। ओह, छोड़ो मारी, क्या बकवास है, फिर वही लड़कियों वाली बात। तुम्हारी पहले ही यहाँ सबके साथ खिटपिट हो चुकी है। मुझे तो लगता है तुम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की बात कर रही हो। अपना हाल भी वेगनर की तरह करना है। मगर मरी हार मानने वाली नहीं थी। कई साल बाद जब मरी और ब्रूस ने एक लाइट टेबल के ऊपर समुद्र में भूकंप के केंद्रों का नक्शा अपने समुद्र तल के नक्शे के ऊपर रखा, तो पता चला सारे भूकंप उसी रिफ्ट वैली के आसपास आए थे। ये वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी साबित करने वाला सबूत था। हीजेन अब समझ चुके थे कि मरी की बात शुरू से ही सच थी। उन दोनों ने मिलकर पृथ्वी का पहला असली नक्शा बनाया जिसमें समुद्र तली का नक्शा भी शामिल था।